पाली संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने रानीवाड़ा पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को लेकर सीएचसी प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उपखंड अधिकारी रमेश देव चौधरी भी साथ रहे। राज्य सरकार के डायरेक्शन है कि हमारे जितने भी चिकित्सा संस्थान हैं उनका समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जाए ताकि जो वास्तविकता है वो पता चले, और यदि राज्य सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो सारी सुविधाएं आम लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं कि नहीं कराई जा रही है, इसके लिए समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे हैं। इन निरीक्षण का जो उद्देश्य वो यही है कि यदि कमी वहाँ पर पाई जाती है किसी भी प्रकार की तो वो संज्ञान में लाई जाकर उसको दुरुस्त कर लें, उसको सही कर लें, ताकि राज्य सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो चीज़ें, जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उनका लाभ सभी लोगों को मिले। तो अभी जो देखा है उसमें कुछ चीज़ों डॉक्टर साहब के साथ में, एस डी एम साहब के साथ में कुछ चीज़ों के नोटिस किया गया है कि इसमें कहाँ कहाँ सुधार की गुंजाइश है, चाहे तो वो ऑपरेशन थिएटर है अपना या फिर प्रसूति कक्ष है या वार्ड्स हैं या सफाई से संबंधित चीज़ें हैं, तो उनको देख करके नोटिस करके और आपको अवगत कराया गया। इसके डिटेल रिपोर्ट बनाकर भी राज्य सरकार को प्रेषित की जाती है ताकि जो व्यवस्थाएँ राज्य सरकार के स्तर से हमें उपयोग वो वहाँ पर हो सके और जिन चीज़ों को यहाँ सुधारा जा सकता है उनको यहाँ सुधार सके। और इसका उद्देश्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि व्यवस्थाओं में सुधार हो, हमारी सुविधाओं में इजाफा हो और लोगों को जो सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं हैं उनका लाभ ठीक से मिले। एक मैडम कुछ मशीनें बंद पड़ी हैं, सी बी नोट की मशीनें हैं, जैसे सोनोग्राफर डॉक्टर नहीं है यहाँ पे और एक एम एस सर्जन गाइनिक डॉक्टर नहीं, उसको उन पॉइंट्स को हमने नोट किया है। अभी जैसे बातचीत में पता चला कि मशीन उसको फंक्शनल करना है, या मैंने खुद ने भी पूछा है कि गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ पर है कि नहीं, पदस्थापित है कि नहीं, और अपना सोनोलॉजिस्ट की भी बात आई है, मैंने पूछा है कि लगभग कितने सोनोग्राफिक पेशेंट प्रतिदिन आ जाते हैं और अगर आते हैं तो फिर उसके लिए हम क्या व्यवस्था करते हैं। डॉक्टर साहिबान से डिस्कस करके उन्होंने बताया कि इसका जो दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था है वो ये है, तो मैंने इनको कहा है कि जहाँ पर भी संभाग में यदि कोई अवेलेबल है और यदि उनका एक दिन भी यहाँ तय कर देते हैं मरीजों की अवेलेबिलिटी या यहाँ के लोकल डॉक्टर साहिबान से डिस्कस करके, तो एक संभाग में से किसी एक अपने सोनोग्राफी के साथ से डॉक्टर जो है उनको यहाँ पर लगाने के बारे में हम लोग व्यवस्था करेंगे, ताकि जो एक दिन चाहे तय कर दें तो कम से कम एक दिन आकर के सोनोग्राफी के पेशेंट उनको वो दिन तय कर दिया जाए, उस दिन आकर के उनकी सोनोग्राफी हो। थैंक यू।